बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह अपने दुखों से बहुत दुखी था। अक्सर वह लोगों के सामने अपना दुख रोना रोता रहता था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में चले जाओ, निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है और बुद्ध की शरण के लिए निकल पड़ता है। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है तो कहता है, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं खेती अपनी जीवन यापिका के लिए करता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। मैं एक विवाहित इंसान हूं और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करने लगती है, जिससे मुझे यह महसूस होता है कि मैं उस महिला से उकता गया हूँ। अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की सभी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहते हैं। किसान अपनी बात जारी रखता है और कहता है, मेरे दो बच्चे हैं, वह बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं सुनते। उस समय मुझे उन पर बहुत क्रोध आता है और लगता है जैसे वो मेरे बच्चे ही नहीं है। किसान इसी प्रकार से एक एक करके अपनी समस्याएं गौतम बुद्ध को बताता रहता है। गौतम बुद्ध ध्यान पूर्वक उस किसान की सभी समस्याओं को सुनते रहते हैं और बीच में एक शब्द भी नहीं कहते। जब किसान अपने जीवन की सभी समस्याएं बताकर शांत हो जाता है और उसका मन हल्का हो जाता है, तो वह गौतम बुद्ध की तरफ अपने जवाब की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद जब गौतम बुद्ध शांत रहते हैं तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह ऊंची आवाज में गौतम बुद्ध से कहता है, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे महात्मा? गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आवक रह जाता है। वह कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आप मेरे दुखों का निवारण नहीं कर सकते? गौतम बुद्ध कहते हैं, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी अपने पराये लगने लगते हैं। किसान, तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन का चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और आसपास के सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लोगे तो कोई एक नई समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। यह जीवन का अटल सत्य है, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह सुनकर किसान बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि यहाँ सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं और आप सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, इसीलिए मैं इतनी दूर से पैदल चलकर आपके पास आया था, लेकिन मेरा आना तो पूरा व्यर्थ हुआ। इसका मतलब है वह सभी लोग झूठे थे और वह बेकार की बातें करते थे। इतना बोलकर किसान गुस्से में उठकर वहां से जाने लगता है। तभी गौतम बुद्ध उसको रोककर कहते हैं, किसान, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक तुम्हारी दूसरी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यजनक चेहरा बनाकर पूछता है, महात्मा, मेरी दूसरी समस्या क्या है? मैं तो इन्हीं समस्याओं से ग्रसित हूँ और इन्हीं के समाधान के लिए आपके पास आया था। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी दूसरी समस्या ही इन सभी समस्याओं की जड़ है। यदि तुम उनका समाधान कर लोगे तो निश्चित ही तुम्हारी ये सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। किसान पूछता है, क्या है वह दूसरी समस्या? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी दूसरी समस्या यह है कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या ना हो। यही समस्या तुम्हारी दूसरी समस्याओं को जन्म देती है। जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे कि जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं और सुख दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, उस दिन तुम इन सभी सुख दुखों से ऊपर उड़ जाओगे। तुम्हें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं उनका दुख तुमसे बड़ा है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो। वह दुख जिस व्यक्ति के साथ घट रहा होता है उसे वह सबसे बड़ा प्रतीत होता है और सारी दुनिया उसे सुखी दिखती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे
कि सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी मानसिक स्थिति यदि हम निर्मित कर लें तो उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत्यंत दुख की अवस्था में कभी भी हमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, और अत्यंत सुख होने की अवस्था में हमें बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमारा जीवन सुख और दुखों से भरा हुआ है। ऐसे में ये सोचना निश्चित ही गलत है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। किसान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, वह समझ चुका रहता है कि अब उसे क्या करना है, कि जीवन सुख और दुखों से भरा हुआ है। ऐसे में ये सोचना निश्चित ही गलत है कि हमारे जीवन में कभी भी दुख आए ही ना। भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें ये संदेश भी देती है कि हमें दुखों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और सुख की अवस्था में अत्यंत उत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें एक संतुलित जीवन जीने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपके सुझाव और एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।